हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव शिवहरे आज आपसे बच्चों की एक और प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। कई बार पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं बच्चे की नाक से ब्लड आने लगे, अचानक से बच्चे ने छींक मारी और नाक से ब्लड ड्रॉप 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 टपकने लगा, खूब सारा ब्लड बहने लगा। फिर पूछने में पता चलता है कि बच्चे को इस टाइप का प्रॉब्लम पहले भी होता था। जब भी बच्चे को सर्दी होती थी तो उसकी नाक फूट जाती। पेरेंट्स बोलते नाक फूट गया, ऐसा नाक बहने लगा, ब्लड आने लगा नाक से। तो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को बार बार सर्दी होता है, नाक में पपड़ी जमती, नाक में क्रस्ट जमता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि नोज डिक करते हैं, नाक से पपड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये जो अंदर की सरफेस रहती है बहुत ही नाजुक रहती है, जो पपड़ी वहां से निकलती है तो वहां से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो कभी नाक से यदि ब्लड आ रहा हो तो हमें प्राइमरी तौर पे घर में क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, जब भी नाक से ब्लड यदि बह रहा है तो बच्चे की नाक को अपनी दो फिंगर से ऐसे पिंच करके थोड़ी देर तक अपने को पकड़ के रखना है और बच्चे को बोलना है कि मुंह से सांस लेने के लिए। थोड़ी देर तक नाक को पिंच करके रखने से हमारे नाक की जो नस, जहां से कोई भी जहां से ब्लीडिंग हो रहा होगा जिस पॉइंट से, वो पॉइंट ब्लॉक हो जाएगा, जिससे वहां से ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो हमारे ब्लड में क्षमता होती, खुद भी अपने आप ही ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। तो लगभग 2 से 5 मिनट के बीच में ब्लड अपने आप बंद हो जाएगा। तो आपको सिर्फ अपने दोनों फिंगर से नोज को पिंच करके रखना है और इस बीच में बच्चे को बोलना है मुंह से धीरे धीरे सांस लेते रहे और ब्लड अपने आप बंद हो जाएगा। इसके बाद में आप जाके फिर डॉक्टर से दिखाइए। तो डॉक्टर कुछ चेकअप करेंगे, वो चेक करेंगे बच्चे में कहीं खून का थक्का जमने में गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई और बीमारी तो नहीं चल रहा है। मोस्टली 90% केसेस में ये बहुत साधारण सी बीमारी होती है, साधारण सी चीज़ है जो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। धन्यवाद।